अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइन्थ क्लास, आज की हमारी जो मैथ की क्लास है वो एक्सरसाइज 5.3 है, और 5.3 एक्सरसाइज में से हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट हो चुके थे, उसके सारे पार्ट जो है वो आपने उम्मीद है कि कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। तो इसमें बेटे उसने पूछा है, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर x-2 एंड x-3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उसने कहा है बेटे कि लॉन्ग डिवीजन के आपने लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, और हमें बताना है कि ये x-2 और x-3 ये इसके फैक्टर्स हैं या नहीं, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं या नहीं। मतलब फैक्टर्स में इस तरह होगा, अगर ये फैक्टर होंगे तो इसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आएगा। अगर ज़ीरो रिमाइंडर होगा तो इसका मतलब ये फैक्टर है, और अगर ज़ीरो रिमाइंडर नहीं होगा तो फिर हमारा जो ये फैक्टर इसका नहीं होगा। तो उसी तरह से हम जो रिमाइंडर थ्योरम से देखते हैं, x-2 इज इक्वल टू ज़ीरो, लेट x-2 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x इज इक्वल टू 2। अब बेटे p ऑफ x था, अब यहाँ पे p ऑफ 2 जो है, जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम जो उसकी वैल्यू 2 पुट कर देंगे। x का क्यूब था तो हम यहाँ पे 2 का क्यूब लिखेंगे, -12 एक्स स्क्वेयर था तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वेयर लिखेंगे +44, और यहाँ पे x की जगह पे 2 आ जाएगा -48। बेटे अब ये 2 का क्यूब जो है 8 होगा, और 2 2 4 4 12 48, और 44 मल्टीप्लाइड बाई 2 88 होगा, -48 बेटे जो कांस्टेंट था वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब हम प्लस वाले वैल्यूज़ जो हैं उनको एक से प्लस कर लेंगे, 8 एंड 88 इज इक्वल्स टू 96, एंड 48 -48 ये दोनों बेटे जो है वो 96 होगा, 96 -96 ज़ीरो। तो इसका चूंकि ये रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो है, तो x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बेटे उसने कहा कि x-3 जो है ये भी बताएं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो बेटे इसी तरह से हम लेट x-3 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x इज इक्वल टू 3, तो p ऑफ 3 जो वो क्या होगा, x का क्यूब है तो यहाँ पे 3 का क्यूब होगा, -12 एक्स स्क्वेयर तो -12 3 स्क्वेयर +44 मल्टीप्लाइड बाई 3 -48। तो बेटे यहाँ पे देखिएगा, 3 का क्यूब जो है वो क्या होगा, 27, और ये 9 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 9 0 108 बेटे, और 44 3 132 बेटे -48। अब देखें ये हमारे पास हो गया बेटे कि ये माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस किया, ये भी माइनस किया, तो ये प्लस का, ये माइनस वाली जो है वो इन सब को हम एक से प्लस कर लेंगे बेटे, तो ये -88 आएगा, और 27 प्लस का था तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 261 है बेटे। तो ये चूंकि रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो सो x-3 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बेटे ये क्वेश्चन इस तरह से था, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा फर्स्ट पार्ट था बेटे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें उसने बताया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पॉलिनोमियल p ऑफ x 4x³ -7x² +6x-3m। इसमें बेटे हमने m की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2। x+2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है तो मतलब क्या, ये इसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो होगा बेटे। तो रिमाइंडर उसमें ज़ीरो होगा, और हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटे। तो उसी तरह से x+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, एंड p ऑफ -2 इज इक्वल टू 4, जहाँ पे x था बेटे वहाँ पे उसकी वैल्यू -2³ -7 × -2² +6 × -2 -3m बेटे। तो ये 2 का क्यूब जो है क्या होगा, -8 बेटे, और 2 का -2 का स्क्वेयर जो है 4, 7 4 28, और इस तरह 6 2 12, और 3m जो है इसी तरह से आ जाएगा बेटे। तो हमारी इस इक्वेशन में हमारे ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर जो आएगा वो -32 -28 -12 -3m। तो ये बेटे माइनस वाली सारी वैल्यूज जो हम इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है -72 -3m, और चूंकि इसने कहा था ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि ये इसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, तो हम ज़ीरो के इक्वल उसको पुट करेंगे, और ये -72 जो है वो इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बेटे, और ये 3m जो है वो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, मतलब -3 को इससे डिवाइड करेंगे तो -24, तो m इज इक्वल टू -24, ये बेटे हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें उसने कहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है बेटे। ये इसमें से देखिएगा बेटे कि उसने हमें कहा है कि k की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी बेटे।
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के इफ़ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, इसमें दो पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय माइनस एक्स माइनस थ्री। तो एक्स माइनस थ्री से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर जो है वो सेम होता है। तो बेटे हमने क्या करना है कि इसमें वैल्यूज पुट करनी है, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो जब थ्री की वैल्यू एक्स की जगह पर उसकी थ्री वैल्यू पुट करेंगे बेटे, यहाँ पर भी थ्री वैल्यू पुट करेंगे, और जब आंसर एंड पे आएगा जिस तरह से हमारे यहाँ पर बेटे ये वाला आंसर आया था माइनस सेवेंटी टू और माइनस थ्री एम, इन दोनों को हम जब बेटे इक्वल से जो वो कर लेंगे, इक्वल से जो हम एक साइड पर के की वैल्यू एक साइड पर कर लेंगे और कॉन्स्टेंट जो वो एक साइड पर, तो ये हमारा इस तरह से जो वो आंसर आ जाएगा बेटे। क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन जो है वो इंशाल्लाह ताला कल करवाऊंगा, तो इसको बेटे कंप्लीट कर लीजिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।